फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने नीचे के या इंटीमेट बालों को हटाते हैं तो एक चीज़ जो है वो आपको परेशान कर सकती है, और इसी पर आज की हमारी वीडियो है। इन ग्रोथ हेयर, यानी आप अगर वैक्स करते हैं या शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी रेजर वगैरह से भी अपने प्राइवेट पार्ट के जो बाल हैं उनको हटाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सभी से बचने के लिए आपको क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंटीमेट एरिया में जो बाल होते हैं उनको हटाने के लिए महिलाएं कई सारी चीज़ें यूज़ करती हैं। कई लोग रेजर यूज़ करते हैं, या फिर कुछ क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप वैक्सिंग कराती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके हाइजीन को लेकर के महिलाएं ज़्यादा अवेयर रहती हैं, इस कारण से भी कई महिलाएं इस प्राइवेट पार्ट के बाल जो है हटा देती हैं, या फिर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हटा देती हैं, या फिर उनको जो नमी बनी रहती है बालों के बीच में उसको उन्हें अच्छा फील नहीं होता, तो उसके लिए भी वो वैक्सिंग का सहारा लेती हैं या फिर रेजर का सहारा लेती हैं। तो इससे होता ये है कि हमारे जो एरिया के बाल होते हैं उनकी ग्रोथ जो है उल्टी हो जाती है, यानी जो बाल बाहर जाना चाहिए था वो बाहर ना जाके अंदर की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आप बालों को साफ करती हैं तो आपको ध्यान देनी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये शेविंग करती हैं इस एरिया की या इंटीमेट एरिया के जो बाल हैं उनको हटाती हैं, किसी भी तरीके से हटाती हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, इन ग्रोथ हो जाती है बालों की, जिसके कारण से वहाँ पर आपको रैशेस बन सकते हैं, या फिर आपको पेन या फुंसियाँ हो जाती हैं, या फिर आपको बाल तोड़ की समस्या भी हो सकती है। दूसरा होता है, अगर आप इन बालों को साफ कर लेती हैं तो इन्फेक्शन के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ में जो रेजर का इस्तेमाल करती हैं उनको कट लगने का खतरा रहता है, जिससे कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो लोग हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ करते हैं वो जो बलवा में जाकर फट जाती है, जिसके कारण से आपको जलन या खुजली की समस्या हो जाती है। जब हमारे इस एरिया पर बाल नहीं होते हैं तो इस पर डर्माइटिस यानी खुजली की जो समस्या होती है, इन्फेक्शन का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर आपको खुजली जैसी समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को दिक्कतों को फेस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अगर आप वैक्स कराते हैं तो फिर आपको याद रखना है कि जो वैक्स कराने वाली जगह है उसको अच्छे से पहले थोड़ा स्टीम दे करके बालों को सॉफ्ट कर लिया जाए। नंबर दो, अगर आपने वैक्स कराई है तो उसके बाद तुरंत आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्पेशल है उसका साथ में जो आता है उसको सिलाई ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आप रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कट लगने का खतरा रहता है, तो इसे भी आपको स्टरलाइज किया हुआ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे टिटनेस होने का खतरा या दूसरी तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, जब भी आप प्राइवेट पार्ट के बाल साफ करते हैं तो फिर आपको जो पानी है वो गुनगुना यूज़ करना है, उससे अपने एरिया को साफ कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पर ड्राइनेस लगती है तो आपको हमेशा कोकोनट ऑयल की लगा लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर मॉइस्चर बना रहे। इसके अलावा आप वहाँ पर मॉइस्चराइज कर ही अपने बालों को साफ करें। जो लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ अक्सर ये दिक्कतें आती हैं, तो स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है या खुजली की समस्या उनको देखने को मिलती है। तो अगर आप प्राइवेट पार्ट के बाल साफ करना चाहते हैं तो कभी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए जो शेविंग फोम क्रीम होती हैं उनका इस्तेमाल करें, वो आपके स्किन के लिए सही होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लगातार बार बार ऐसा करते हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत होगी कि जो उसका पीएच लेवल है वजाइना का वो गड़बड़ा सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, साथ ही वहाँ का पीएच लेवल जो है खराब हो जाता है, यानी कम या ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इनको आपको ध्यान देना है और इनको फॉलो करना है तो आपको ये सभी दिक्कतें नहीं होंगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।